उत्तराखंड में हुए बैकडोर भर्ती घोटाले में जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद राज्य के विधानसभा अध्यक्ष रितू खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो भर्तियां नियम विरुद्ध हुई हैं उनको निरस्त किया गया है। जांच में पाया गया है कि भर्तियों में आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन हुआ है, जो कि भर्तियों के मामले में समान अवसर देते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा बैकडोर भर्तियों में धांधलीबाजी की खबरें आने के बाद विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को निलंबित कर दिया गया था। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितू खंडूरी ने बीते दिनों हुए तमाम प्रकरणों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी बातचीत की है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि लोगों की जो रिपोर्ट आई है, समिति की रिपोर्ट आई है, उसमें आप सब जानते हैं कि बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो भी क्या हुई है वो नियम विरुद्ध हुई है, चाहे एडवर्टाइजमेंट निकालने की बात हो, चाहे एग्जाम लेने की बात हो, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की बात हो, और साथ ही साथ आर्टिकल 14 और 16 का भी पालन नहीं हुआ है, जो कहता है कि हर एक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए जहाँ तक भर्ती का सवाल है। तो इस कारण से जब रिपोर्ट आई है उसके बाद हमारी टर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हुआ। थोड़ा समय लेता है क्योंकि उसमें कॉपीज बनानी पड़ती हैं और जगह जगह भेजनी पड़ती है। तो इसके तहत कल करीबन हम लोगों ने 40 टर्मिनेशन नोटिस सर्विस किए थे, जिसमें से शायद 35 लोगों ने उनको रिसीव कर लिया है। इसी तरह से आज भी हम कुछ 100 को देने वाले हैं। ये धीरे धीरे प्रोसेस एक दो दिन में समाप्त।